फ्रूट्स और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और मैं आज अरबी की सब्जी बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाने में हमें ज्यादा समय भी नहीं लगता है। तो आइए देखते हैं अरबी की सब्जी बनाने में हमें किन चीजों की जरूरत होगी। अरबी की सब्जी बनाने के लिए मैंने ये अरबी ली है और ये 250 ग्राम अरबी है और ये 3 से 4 लोगों के लिए काफी है। और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च ली है जिसे मैंने लंबे टुकड़ों में काट लिया है, एक प्याज जिसे मैंने बारीक काट लिया है, एक टमाटर इसे भी मैंने बारीक काट लिया है, और यह है लहसुन अदरक का पेस्ट, और यह है 1 चम्मच लाल मिर्च, और यह है नमक 1 चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, और यह है 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 1/2 छोटी चम्मच राई, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर और 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला। तो आइए अरबी की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। अरबी की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले ये जो अरबी है हमें इसका छिलका उतारना है। इस तरह से हम इसका छिलका हटाकर इसे बारीक टुकड़ों में काट लेंगे और इसी तरह से मैं सभी अरबी का छिलका उतारकर इसे काट कर रख लूंगी। और ये देखिए मैंने अरबी का छिलका उतारकर इसे साफ पानी से धोकर और इस तरह के लंबे टुकड़ों में मैंने इसे काट लिया है। और यहाँ पर मैंने 1 छोटी चम्मच ऑयल भी गरम होने रख दिया था और ये ऑयल गरम हो चुका है। और अब इसमें सबसे पहले ये हल्दी पाउडर इसे डाल देते हैं और इसके बाद इसमें अरबी डाल देते हैं, अरबी को फ्राई कर लेते हैं। और इसे लगातार चलाते हुए धीमी आंच पर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं और ये देखिए अरबी भी फ्राई हो चुकी है। और अब हम इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं एक प्लेट के अंदर। देखिए अरबी फ्राई हो चुकी है और मैंने इसे कढ़ाई से बाहर निकाल लिया है। और मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच ऑयल गरम होने रख दिया था और ये गरम हो चुका है। और अब इसमें सबसे पहले अजवाइन इसे डाल देते हैं, राई इसे भी डाल देते हैं और अब इसके बाद इसमें हरी मिर्च इसे भी डाल देते हैं, थोड़ा सा चला देंगे इसे। और इसके बाद इसमें बारीक कटा हुआ प्याज इसे भी डाल देंगे और इसे हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए प्याज का जो कलर है हल्का सुनहरा हो चुका है। इसके बाद इसमें ये लहसुन अदरक का पेस्ट इसे डाल देते हैं, चला लेते हैं इसे भी थोड़ा सा। और इसके बाद इसमें ये बारीक कटा हुआ टमाटर इसे भी डाल देते हैं और इसे भी मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इसमें 1 चम्मच नमक इसे भी डाल देते हैं और अब इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकने देंगे। और ये देखिए टमाटर है वो अच्छे से पक चुका है। और इसके बाद इसमें लाल मिर्च पाउडर इसे डाल देते हैं, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर और ये गरम मसाला। सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। और ये देखिए ये जो मसाला है अच्छे से पक चुका है और ये ग्रेवी में से ऑयल भी बाहर आ गया है। और अब हम इसमें ये जो फ्राई की हुई अरबी है इसे डाल देते हैं और अब इसे मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद इसमें 1/2 ग्लास पानी इसे डाल देंगे और पानी को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अब इसे 5 मिनट के लिए ढककर पकने देंगे। और ये देखिए, और ये जो अरबी है बनकर तैयार है, ये अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए, और अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया इसे डाल देते हैं। और अब हम इसे एक अलग बाउल में सर्व कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने अरबी की सब्जी को एक बाउल में सर्व कर लिया है और बहुत ही स्वादिष्ट अरबी की सब्जी बनकर तैयार हुई है। आप इसे गरम गरम चपाती और पराठे के साथ सर्व करें, ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।